नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई नई नई अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम चार्ज कहाँ करेंगे और चार्जिंग की समस्या से दो चार ना होना पड़े इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। दिल्ली में घरों तक बिजली पहुँचाने वाली कंपनी DSES अब राजधानी के कोने कोने में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। इसके लिए कंपनी ने एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ टाई अप किया है। दोस्तों दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और ज़्यादा हरित बनाने के लिए अब दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी BSES ने कमर कस ली है। कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो दिल्ली के कोने कोने में पब्लिक प्लेसेस पर चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ई वोल्ट का कहना है कि BSES राजधानी पावर और BSES यमुना पावर ने उसे राजधानी में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अपने पैनल में जोड़ा है। इस साझेदारी के तहत ई वोल्ट पूरी दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। तो अभी तक अधिकतर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने मॉल, ऑफिस या पब्लिक स्पेस पर ही ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात कही है, लेकिन ई वोल्ट इसे थोड़ा आगे बढ़कर काम करेगी और सेमी पब्लिक एरिया में भी ये चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इसमें लोगों के घर, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वगैरह भी शामिल होंगे। यानी इससे आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों के पास रोजगार का एक और माध्यम आने वाला है। ई वोल्ट के फाउंडर और CEO ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि उन्हें खुशी है कि BSES ने इस काम के लिए ई वोल्ट का चुनाव किया है। इससे दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला शहर बनाने में मदद मिलेगी। चार्जर लगने से दिल्ली इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में आगे बढ़ेगी। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है दोस्तों, जिसके कारण चार्जिंग स्टेशनों की भी जरूरत अब ज़्यादा बढ़ जाएगी। राजधानी में अभी तक जितने भी वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें करीब 7% वाहन इलेक्ट्रिक। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ लोगों का रुझान अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ता जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक चार्जर मॉल, ऑफिस में नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जर गली मोहल्लों में किराने की दुकान, थोक विक्रेता आदि लोगों के पास भी लगाए जाएं। इससे ना सिर्फ लोगों को रोजगार बल्कि हर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन चार्जिंग स्टेशनों की रेंज में आ जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को चार्जिंग से जुड़ी हुई समस्या से निपटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई आज की नई अपडेट। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।